آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أخرتني إلى أجل نصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. जैसे कि आपको पता है आज हिज हैनेस खुद अशियानी जन्नत मकानी हज़रत नवाब सर सादिक मोहम्मद खां आबासी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की 53वीं बरसी मनाई जा रही है। आज जैसे कि आप जानते हैं ईद उल फितर का दिन है। आपको एक वाक़या बता दूं कि नवाब ऑफ भावलपुर ईद की नमाज़ खुद पढ़ाते थे और खुतबा जो था उनका इमाम देता था और ईद की नमाज पढ़ कर आप अपने घर नहीं जाते थे, मलका से या शदाज में मिलते थे। सबसे पहले पहले अपने महल सादेगढ़ पैलेस में यतीम खाने में जाते थे, पहले यतीम बच्चों को मिलते थे, उनकी खैर पूछते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उसके बाद अपने महल में जाते थे अपने बेटों को अपनी मलकाओं को और देकर अब आपको मिलते थे। तो ऐसे हुक्मरान अब पैदा नहीं होंगे जो यतीम का ईद वाले दिन इतना ख्याल रखें और अपने बच्चों की तरह उनको पालें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम मेरे भाइयों, मेहरबानी कर कितने भी तुसा आगे रहे अपने बहावलपुर वास्ते सर सादिक मोहम्मद खान बड़े मेहरबान शहनशाह हैं। आमीन कराम। आज 24 मई 2020 है। आज से 54 साल कबल अमीर बहावलपुर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान आबासी उन्होंने इस यौम को वो पाकिस्तान के क़याम के लिए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए उसका पाकिस्तान के साथ इलहाक किया, ना सिर्फ रियासत का इलहाक किया बल्कि पाकिस्तान की माली तौर पर अस्करी तौर पर और हर मुमकिन मदद की। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज नवाब ऑफ भावलपुर की बरसी मनाई जा रही है, उनकी खिदमत को जितना भी अगर हम याद किया जाए बहुत कम है और उनकी जितनी भी खिदमत है उनको फरामोश नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत के पक्ष हम ये दावा करते हैं, जैसे कि मलिक साहब ने कहा है कि इनकी तकरीब का और सालगिरह और बरसी सालाना तौर पर हर